नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे नीलम गुलाटी जी ने ये डिज़ाइन भेजा है, तो आज का वीडियो इसी डिज़ाइन पे है। इसे बनाने के लिए 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा। तो मैंने सिलाई में 13 फंदे डाल लिए हैं, 13 स्टिचेस। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा एज स्टिच है, उसे सीधा बुन लें या स्लिप कर लें, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर 1 फंदा सीधा। ये पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 3 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा उल्टा बुनना है और 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा। इन्हीं 3 फंदों को पूरी स्वेटर में दोहराना है। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदा सीधा। आगे से 2 फंदा उल्टा था, वो पीछे से 2 फंदा सीधा हो जाएगा और 1 फंदा उल्टा। इन्हीं 3 फंदों को पूरे स्वेटर में, पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा। थर्ड रो में हम अपने फर्स्ट रो को ही दोहराएंगे, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 2 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा। इन्हीं 3 फंदों को पूरे स्वेटर में, पूरी लाइन में दोहराना है। फोर्थ रो में पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 3 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, ये हमारा मेन लाइन है, इसमें आपको ध्यान देना होगा। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा। तीसरा फंदा ये सीधा फंदा है, तो इसमें एक बार सीधे से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इसी में एक फंदा उल्टा, फिर इसी में एक फंदा सीधा और इसी में एक फंदा उल्टा। एक फंदे से हमने 4 फंदा बनाया और अब उन पीछे कर लेंगे और यहीं से टर्न कर लेंगे और फिर इन 4 फंदों को, जिसे हमने 1 से 4 किया है, उन 4 को हम सीधा बुन लेंगे। हमें सिर्फ इन्हीं 4 फंदों को ही सीधा बुनना है, फिर हम यहीं से टर्न कर लेंगे और फिर अब हम सामने की तरफ हैं और फिर इन 4 फंदों को हम वापस उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 3 फंदा उल्टा, फिर यहीं से हम टर्न कर लेंगे और फिर इन 4 फंदों को हमें सीधा बुनना है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 3 फंदा सीधा बुन लेंगे। अब इन 4 फंदों को हमने 4 लाइन तक बुना है। अब वापस हम यहीं पे आ गए और फिर इन 4 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए, देखिए बैक साइड से सीधा बुनते हुए 4 से 1 कर लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे और अगला 2 फंदा उल्टा है, उसे उल्टा बुन लेंगे और नेक्स्ट फंदा सीधा है, उसे सीधा बुन लेंगे और फिर 2 फंदा उल्टा, तो उसे उल्टा बुन लेंगे। यानी ये
हमने एक से चार किया था, उसके बाद हमने पांच फंदों को बुना, दो उल्टा एक सीधा और दो उल्टा। अब अगला हमारा ये सीधा लाइन आ गया है, तो इससे एक से चार करेंगे, एक उन अपनी ओर किया, दो उन दूसरी ओर किया, तीन उन अपनी ओर किया और चार। अब यहीं से हमको टर्न कर लेना है। अब हमें सिर्फ चार लाइन तक इन्हीं फंदों को बुनना है, इन्हीं चार फंदों को बुनना है। यहीं से हम टर्न कर लेंगे और फिर इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार, और फिर वापस हम घूम जाएंगे और इन्हीं चार फंदों को हमें बुनना है। पहला फंदा स्लिप कर लिया और तीन फंदा उल्टा। फिर हम वापस टर्न कर लेंगे और इन्हीं चार फंदों को, अब हम बैक साइड में हैं, चार फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। हमने चारों फंदों को सीधा बुन लिया। अब फिर हम यहीं से टर्न कर लेंगे और उन दूसरी ओर करेंगे और चारों फंदों को एक साथ लेंगे, चारों फंदों को एक साथ लिया और बैक साइड से चार का एक कर लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे, लास्ट में तीन फंदा बचा है तो दो उल्टा और एक सीधा। ये हमारा पांचवा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम सिक्स्थ रो पे हैं, तो जैसा हमें दिखाई दे रहा है, यानी दूसरी लाइन को बैक साइड से हमेशा दूसरी लाइन को ही दोहराएंगे, या यूँ कहिए जो सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा और जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, दो जो उल्टा दिखाई दे रहा है या उसे उल्टा, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दो उल्टा एक सीधा, दो उल्टा और एक सीधा, यानी हमारा पहला लाइन। एट्थ रो में हम दूसरे लाइन को दोहराएंगे। नाइन्थ रो में पहले लाइन को दोहराएंगे, एक फंदा सीधा, फिर दो उल्टा और एक सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। टेंथ रो में पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो सीधा, एक उल्टा, दो सीधा और एक उल्टा। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अलेवेंथ रो और फ्रंट साइड, अब फिर ये हमारा मेन लाइन है, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दो फंदा उल्टा। अब देखिए इस लाइन पे डिज़ाइन बना था, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे और फिर दो फंदा उल्टा। अब इस लाइन पे डिज़ाइन नहीं बना था, तो अब कि हम इसी लाइन पे डिज़ाइन बनाएंगे, तो एक फंदे से हम चार फंदा करेंगे, एक दो तीन चार, और फिर यहीं से पलट जाएंगे और चारों को सीधा बुन लेंगे। फिर हमें सिर्फ इन्हीं चार फंदों को बुनना है और चारों को उल्टा बुनना है। फिर हम पलट जाएंगे और हम बैक साइड पे हैं और चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और चारों फंदों को एक साथ लेंगे और चारों को एक साथ लेते हुए चार का एक कर लेंगे। उन अपनी ओर किया, अगला दो फंदा उल्टा, और देखिए इस पर डिज़ाइन बनाता है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बना लेंगे। और रॉन्ग साइड से जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा, और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा बना लेंगे।
और इस डिज़ाइन बनाने के बाद हमें चार लाइन बुनना है। तो जो हमारा क्रम है, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा, अगला फंदा सीधा, अगले दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा और दो फंदे सीधे। 15वां लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सोलहवां लाइन में दूसरे लाइन को दोहराएंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दो सीधा और एक उल्टा। इन्हीं तीन फंदों को पूरी लाइन में दोहराएंगे। 17वीं लाइन और सामने से अब फिर हमारा ये मेन लाइन है, इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दो फंदा उल्टा और अब देखिए ये हमने यहाँ बनाया था, तो अब की हमें वापस यहीं पे डिज़ाइन बनाना है। पिछली बार हमने यहाँ बनाया था, तो अब हमें अल्टरनेट बनाना है। जिस लाइन में हम बना रहे हैं अगली बार में उस लाइन में ना बना के उसके अल्टरनेट लाइन में बना रहे हैं। देखिए पिछली बार हमने यहाँ बनाया था, तो अब की हमें इस लाइन में बनाना है। तो चार फंदा हम बनाएंगे, एक से चार करेंगे। पांच फंदे बनाएंगे, दो उल्टा, एक सीधा और दो उल्टा। और फिर नेक्स्ट लाइन पे हमें डिज़ाइन बनाना है, तो एक से हम चार बनाएंगे, एक दो तीन चार। और फिर अब हमें सिर्फ इन्हीं चार फंदों को बुनना है, तो चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। सामने से ये उल्टा बुना जाएगा और रॉन्ग साइड से सीधा। ये बबल सामने से उल्टा और रॉन्ग साइड से सीधा बनाया जा रहा है। लास्ट में तीन फंदा है, तो दो उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। देखिए बबल बन के तैयार है। और अब फिर हमें रॉन्ग साइड में है, तो जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा बनाएंगे। 18वां लाइन ये कंप्लीट हो रहा है। अब हम चार लाइन और बनाएंगे, 19, 20, 21, 22 और फिर 23वें लाइन में डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन बन के तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। आशा है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा।
तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस खूबसूरत से डिज़ाइन के लिए नीलम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।